भाई भैया लेके घूम रहे हैं ग्रिल को हाथ में। ये कड़ी हमारी गाड़ी, कुछ काम नहीं हुआ इसमें भाई। फाइनली जाना पड़ रहा है यहाँ से वापस। राम राम जी भाई, कैसे हो सब? स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। तो भाई आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद गाड़ी का काम कराने, ब्रीजा का। ब्रीजा में भाई थोड़ी मॉडिफिकेशंस करानी है लिटिल लिटिल, वो आप लोगों को दिखा देंगे अभी की क्या क्या काम कराना है इसमें। तो चेतन भाई है अपने साथ में, तरुण भाई और शशांक भाई पीछे बैठे हुए हैं। फिर भाई गाड़ी करा के जल्दी से उसके बाद निकलते हैं कहीं। तो चलते हैं भाई डेकोरा पे, उसके बाद दिखाते हैं भाई। एक तो ये ग्रिल दिखाई है भैया ने, एक ये लग रही है इधर जीप कंपास वाली। तो ये जीप कंपास वाली तो नहीं लगवा रहे, वो उसमें क्रोम है वो काले पड़ जाते हैं, ये लगवा रहे हैं भाई। भैया लेके घूम रहे हैं ग्रिल को हाथ में। ये कड़ी हमारी गाड़ी, कुछ काम नहीं हुआ इसमें। भैया ग्रिल लेके घूम रहे हैं कि कारीगर मिल जाए, कारीगर मिल जाए। कोई कारीगर नहीं मिल रहा ग्रिल बदलने के लिए, आधा घंटा हो गया भाई यहाँ खड़े खड़े। भाई फाइनली जाना पड़ रहा है यहाँ से वापस, क्योंकि इनके पास बंदा ही नहीं है फ्री। इनके सारे बंदे लगे हुए हैं, डेढ़ दो घंटे लगते बता रहे हैं इस काम में। भाई इतना टाइम नहीं है, डेढ़ दो घंटे लगाएंगे इस छोटे से काम के लिए। अभी जा रहे हैं फिलहाल तिकोना पार्क, तिकोना पार्क में जाके कराते हैं ये काम। ये हमारे सरपंच साहब हैं, ये आ गए हमारे पास। ये कह रहे थे भैया मत जाओ, काम करा लो, 15-20 मिनट में एक बंदा मिल जाएगा आपको। तो भाई यही देख रहे हैं 15-20 मिनट में, फिर यही करा लेते हैं। ये रखा भाई सारा सामान जो हमें डलवाना है। ये व्हील कवर्स रखे हैं, ये फ्रंट की ग्रिल हो गई, पीछे डोर वाइजर और डोर गार्ड रखे हैं, और भाई रिफ्लेक्टर भी हैं लाइट वाले, वो आ रहे हैं। ये भाई इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, तो हम इसमें ये वाले लगवा रहे हैं। ये मैट्रिक्स में चलते हैं भाई, इंडिकेटर के साथ में, ब्रेक के साथ में और लाइट के साथ में चलते हैं भाई। बम्पर खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही निकाल दिया भैया अंदर रिफ्लेक्टर। अब इसको डालेंगे अंदर। ये भैया कर रहे हैं कनेक्शन इसमें। ये भैया एक एक कनेक्शन करके देख रहे हैं इसका, किससे इंडिकेटर जलाना है, किससे पार्किंग के साथ ऑन करना है, किससे ब्रेक के साथ चलना है। भाई ये दूसरी लाइट के भी कनेक्शन कर दिए भैया ने, टेस्ट करके देखेंगे। भाई ये रहे अपने व्हील कवर, ओ भाई तगड़ी डिजाइन लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसा अलॉय हो भाई, तगड़ा लग रहा है। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है व्हील कवर। भाई ये भैया से टाई बेल्ट लगवा लिए जिससे व्हील कवर निकले ना, और आप लोग प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, बिल्कुल अलॉय व्हील से लग रहा है देखने में दूर से। भाई ये डोर गार्ड और रेन वाइजर ये हटवा दिए हैं, मतलब ये तोड़ दिए हैं यहाँ से पूरे, अब नए लगवाएंगे। तो ये भाई क्लीन कराएंगे यहाँ से, फिर लगवाएंगे नए। ये हो गया भाई गाड़ी का काम कम्प्लीट। इतने हम चाय मट्टी वगैरह खा के आए थे, इतने भैया ने रेन वाइजर और ये डोर गार्ड लगा दिए हैं। तो भाई गाड़ी अब लग रही है सही, बस फ्रंट से रह गया। भाई ये फॉग लैंप का कवर नहीं मिला इनके पास में, इसकी DRL वगैरह कुछ भी नहीं मिली, क्योंकि ये मॉडल पुराना हो चुका है, 2018 मॉडल है ये। और भाई फ्रंट ग्रिल इसलिए चेंज नहीं कराई क्योंकि उसको चेंज करने में कम से कम आधा घंटा लगता, पूरा बम्पर खुलता, और भाई इतना टाइम नहीं था हमारे पास में। भाई करते हैं डेकोर एसेसरीज को बाय बाय, निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब जाते हैं तिकोना पार्क, और तिकोना पार्क में जाके देखते हैं भाई वो फॉग लैंप का कवर मिल जाए तो। बस वो एक काम रह गया, बाकी तो सारे काम हो गए गाड़ी में। भाई इन रिफ्लेक्टर्स का शाम का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे भाई ये हज़ार्ड लैंप के साथ में, इस टाइप से चलते हैं मैट्रिक्स में। उसके बाद में भाई चेक करेंगे ये, भाई इनमें वेलकम फीचर आता है, लाइट ऑन करते हैं तो इस टाइप से जलते हैं ये। और ये भाई ब्रेक के साथ में जलते हैं इस टाइप से। भाई अब निकल रहे हैं घर के लिए, काम करा लिया सारा, घूम फिर लिए, खाना वाना खा लिया, भूख लग रही थी बहुत तेज। तो भाई अब निकल रहे हैं घर के लिए। गाड़ी में जो टोटल खर्चा आया वो 3400 रुपीज़ बने थे भाई, मैं बता दूंगा आपको एक एक चीज़ के कैसे कैसे बने थे। 950 के रिफ्लेक्टर थे, बाकी 1200 के व्हील कवर थे, और बाकी डोर गार्ड थे 450 के अराउंड, और रेन वाइजर थे 600 के अराउंड थे, पता नहीं कितने के थे, 800 के अराउंड थे शायद। तो भाई ये कुछ टोटल करके 3400 के अराउंड खर्चा था। भाई आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।